ये ट्यूटोरियल और आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं या जो हमारी बायो फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सभी इंडस्ट्रीज में हमारा कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा होता है या कौन सा डिपार्टमेंट आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने अपना कोई भी बैचलर कोर्स किया है तो आप लोग बायो फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप लोग फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बट आप लोगों को ये आइडिया नहीं होता, अगर आप लोग एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस बायो फार्मा और किस फार्मा इंडस्ट्री के। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज इसी टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है। फ्रेंड्स, सभी डिपार्टमेंट्स अच्छे होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, कोई डिपार्टमेंट अच्छा है, कोई डिपार्टमेंट बुरा है, ये सिर्फ टोटली डिपेंड्स होता है आप लोगों के इंटरेस्ट पे। अब अगर आप लोग बायो फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आप लोग फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। लाइक जैसे आप लोगों को क्यूसी डिपार्टमेंट मिलेगा, सॉरी, जिसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बोलते हैं, आप लोगों को क्यूए डिपार्टमेंट वहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को F&D डिपार्टमेंट वहाँ पे मिलेगा, फॉर्मुलेशन एंड ड्रग डेवलपमेंट, आप लोगों को वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट मिलेगा। बट R&D डिपार्टमेंट और R&D डिपार्टमेंट में आप लोग तभी जा सकते हैं अगर आप लोगों के पास में मास्टर डिग्री है या आप लोगों के पास में किसी भी फार्मा इंडस्ट्री या बायो फार्मा इंडस्ट्री का 5 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है आफ्टर योर ग्रेजुएशन या योर बैचलर डिग्री, तो आप लोग F&D या R&D में जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो अपना बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद वो लोग किसी भी फार्मा इंडस्ट्री या बायो फार्मा इंडस्ट्री में स्विच करते हैं, बट उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो लोग किस डिपार्टमेंट में जाके जॉब करें या काम करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर करूँगा या डिस्कस करूँगा, उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और कुछ मेरे क्लीग्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किया है, तो उन सभी के एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्यूसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप लोगों की जो हैंडलिंग है, ठीक, आप लोगों की जो इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को केमिकल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एनालिटिकल वर्क्स, बहुत सारे केमिकल टेस्ट, बहुत सारे जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे किए जाते हैं। तो आप लोगों की जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आप लोगों की एक लेबोरेटरी नॉलेज है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में आप लोग क्यूसी डिपार्टमेंट की लैब में आप लोग काम करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों की जो लैब हैंडलिंग है, आपके जो लैब स्किल्स हैं, सॉरी, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं लैब को लेके, लैब की हैंडलिंग आप लोगों की बहुत अच्छी है, तो आप लोग क्यूसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट में जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है, आप लोग वहां पे जाके वर्क कर सकते हैं, आप लोग वहां पे जाके अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको वहां पे बहुत सारे आप लोगों का जो पैकेज है, आप लोगों का जो वहां पे आप लोगों को मनी जो आप लोगों को मिलेगी जब आप लोग वहां पे जॉब करेंगे, तो वो बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्यूए डिपार्टमेंट की, तो क्यूए डिपार्टमेंट भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, क्यूए डिपार्टमेंट में भी आप लोग वर्क कर सकते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट में ज्यादातर जो है, अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है, आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वर्क अच्छा आता है, ठीक है, तो आप लोग क्यूए डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट में ये होता है कि जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हमारा वर्क होता है वो क्यूए डिपार्टमेंट में होता है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में आप लोग वर्क कर सकते हैं। और अगर हम लोग फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से क्यूए डिपार्टमेंट एंड क्यूसी डिपार्टमेंट की बात करें, तो क्यूए डिपार्टमेंट में ज्यादा ग्रोथ है क्यूसी डिपार्टमेंट की अपेक्षा, अगर हम लोग उसकी बात करें। क्यूए डिपार्टमेंट में आप लोगों की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्यूसी डिपार्टमेंट में आप लोगों की उतनी ग्रोथ नहीं होगी। आप लोग अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेंगे क्यूसी डिपार्टमेंट में, और अगर आप लोग 5 ईयर का ही एक्सपीरियंस लेंगे क्यूए डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों की जो सैलरी होगी वो क्यूए डिपार्टमेंट में ज्यादा होगी, अगर हम लोग उसका कंपेरिजन करें क्यूसी डिपार्टमेंट के साथ में। तो 5 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है क्यूए डिपार्टमेंट का, वो आप लोगों को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएगा। क्यूसी डिपार्टमेंट का जो आप लोगों का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, उसका वो एक्सपीरियंस आप लोगों को उतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है क्यूए डिपार्टमेंट और क्यूसी डिपार्टमेंट में।
बट जो क्यूए डिपार्टमेंट में वर्कलोड होगा वो क्यूसी डिपार्टमेंट से ज्यादा आप लोगों के पास में होगा। वर्कलोड जो होता है क्यूए डिपार्टमेंट में वो ज्यादा होता है क्यूसी डिपार्टमेंट से, ठीक है। और क्यूसी डिपार्टमेंट में आप लोगों को जनरली आप लोगों को बैठ के काम करने का मौका मिलेगा क्यूसी डिपार्टमेंट में, बट क्यूए डिपार्टमेंट में आप लोगों को बैठ के काम करने का उतना मौका नहीं मिलेगा, उतने चांसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट में आप लोगों को ज्यादातर खड़ा ही रहना पड़ेगा। आप लोगों को ज्यादातर वहां पे एक तरह से आप लोगों को आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, आप लोगों का जो टास्क होगा वो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आप होगा और आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बायोफार्मा या फार्मा इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही होती है। तो अगर आप जैसे हम लोगों ने बात की कि अगर आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लोगों की जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों आप लोगों की टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? आप लोगों की टेक्निकल नॉलेज इसलिए अच्छी होनी चाहिए अगर आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है बहुत सारी हमारी एक तरह से मैकेनिकल हमारी मशीन्स होती हैं जिन मशीन्स के थ्रू हम लोग अपनी मेडिसिन्स को वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम लोग टैबलेट बना रहे हैं, हम लोग सिरप बना रहे हैं, लोग वहां पे इंजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मशीन्स जो वहां पे यूज होती हैं उन मशीन्स की हैंडलिंग के लिए आप लोगों को मैकेनिकल या टेक्निकल जो नॉलेज है आप लोगों की बहुत अच्छी वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग वहां पे वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों पे वर्कलोड तो वहां पे बहुत ज्यादा रहेगा और आप लोगों को वहां पे एक्टिव भी बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा अगर हम लोग उसका कंपैरिजन क्यूए या क्यूसी से करें। और यहां पे जो सैलरी होगी आप लोगों की वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहां पे आप लोगों का जो टास्क है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का किसी भी बायोफार्मा इंडस्ट्री का अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करेगा तो जो वहां पे एक यील्ड होगा उस कंपनी का या जो उसका प्रोडक्शन रेट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, तो सारा का सारा या पूरा का पूरा जो एक तरह से जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही एक तरह से डिपेंड करती है। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा। बट अगर आप लोग 5 ईयर का एक्सपीरियंस क्यूए डिपार्टमेंट में लेते हैं, आप लोग 5 ईयर का एक्सपीरियंस क्यूसी डिपार्टमेंट में लेते हैं और आप लोग 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेते हैं, तो 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है या हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है तो सैलरी का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो आप लोग सैलरी पाएंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही पाएंगे अगर आप लोगों के पास में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। इतनी सैलरी ना तो आप क्यूसी डिपार्टमेंट में पाएंगे ना आप लोग क्यूए डिपार्टमेंट में पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पे टास्क है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और आप लोगों को यहाँ पे मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसीलिए आप यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी पाते हैं। और आप लोगों को जो अदर इंडस्ट्रीज होंगी वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी हायर कर लेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो इंजीनियर होते हैं या प्रोडक्शन में जो इम्प्लॉय काम करते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, तो इंडस्ट्री को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन सभी की। क्यूसी में काम करने वाले इम्प्लॉय क्यूए में काम करने वाले इम्प्लॉय आप लोगों को जनरली मिल जाएंगे, बट प्रोडक्शन में जो एक परफेक्ट इम्प्लॉय होगा वो आप लोगों को जल्दी कहीं पे नहीं मिलेगा, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो स्किल्स होते हैं उन सभी स्किल्स को सीखना या उनको इम्प्रूव करना बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है। तो अगर आप लोग उन सभी स्किल्स को वहाँ पे सीख लेते हैं, उन सभी स्किल्स में आप लोग एक तरह से आप लोग उनमें आप लोगों की जो हैंडलिंग है आप लोगों का जो वहाँ पे काम करने का तरीका है वो अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो आप लोगों को कोई भी इंडस्ट्री आप हायर करेगी। अगर आप लोग एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में आप लोग स्विच कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन में काम करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और यहाँ पे आप लोगों की जो सैलरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। बट यहाँ पे आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी मैथमेटिकल नॉलेज, आप लोगों की मैकेनिकल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिकल जो मशीन्स होती हैं, मैकेनिकल जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो उनकी हैंडलिंग आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे इस टॉपिक पे, और तो आप लोग वेट करें उस वीडियो के लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।